आप देख रहे हैं जयवन राजस्थान न्यूज और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के कुचामन से है, जहां की प्रवासी बेटियों ने अपना फर्ज निभाते हुए जरूरतमंदों के लिए कोरोना सुरक्षा किट भेजे हैं। सामाजिक संस्था कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने बताया कि कुचामन की भी बेटियां जो देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी है, वह सभी सोशल मीडिया के एक ग्रुप के जरिए आपस में जुड़ी हुई है। इसी ग्रुप पर कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की मदद के लिए एक मुहिम चलाई गई। मुहिम के जरिए कोरोना सुरक्षा किट ग्रुप सदस्यों की ओर से जुटाए गए हैं, जिन्हें कुचामन विकास समिति के जरिए कुचामन में जरूरतमंदों को वितरित कराए जा रहे हैं। कुचामन विकास समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश काबरा ने बताया कि कुचामन की इन प्रवासी बेटियों ने जब भी जरूरत हुई है कुचामन के लिए अपना सहयोग दिया है, और इस बार भी कुचामन विकास समिति की ओर से संचालित सभी महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए पूरे साल भर के लिए स्टेशनरी नेपकिन भी उपलब्ध करवाने का भरोसा दिलाया गया है। काबरा सहित कुचामन विकास समिति के सभी पदाधिकारियों ने कुचामन की इन प्रवासी बेटियों का आभार जताया है। कुचामन से प्रबोध गौड़ की विशेष रिपोर्ट। देखिए, कुचामन की जो बेटियां आज देश के विभिन्न भागों में हैं, वो परस्पर जुड़ी हुई है, अभी अपने शहर का पैतृक नगर का चिंतन भी करती है। इस कोरोना के कठिन समय में उन्होंने 400 से अधिक कोरोना सुरक्षा किट, जिसमें सैनिटाइजर भी है, N95 मास्क है, जनरल मास्क है, और भी सामग्री है, ये यहाँ के लोगों को भिजवाई है। और ये आश्वासन भी दिया है कि जितनी भी जरूरत हो सामग्री की, हम उसको नेक्स्ट पीरियड में और भेज देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी किया है कि कॉलेज में अध्ययनरत सभी छात्राएं, चाहे वो HP काबरा कॉलेज की भी, सभी छात्राओं को पूरे वर्ष तक सैनिटरी नेपकिन सभी छात्राओं को जरूरत के मुताबिक निःशुल्क दिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बच्चियाँ कुचामन से आज गई है, वो अभी तक कुचामन के बारे में पूरी अपनी चिंता करती है, और समय समय पे उसमें जो भी सहयोग होता है उसके लिए भी वो सदैव तैयार रहती है।